हेलो गाइज, कैसे हैं आप सभी। वेलकम आपका हमारे चैनल पर। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिलती रहे। तो गाइज, ये नोटिफिकेशन आया CRSU यूनिवर्सिटी जींद का, चौधरी रणबीर सिंह विश्वविद्यालय जींद। तो ये नोटिफिकेशन आई है BEd और MEd जो भी NCT और RCI अप्रूव्ड कोर्सेज होते हैं, जितने भी प्रोग्राम होते हैं उनको लेकर। तो उनके एग्जामिनेशन पेंडिंग है फाइनल ईयर के और रीअपियर के, तो उनको लेकर ये यूनिवर्सिटी ने नोटिस डाल दिया है कि भी एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहेगा, एग्ज़ाम में क्वेश्चन कैसे आएंगे, MCQ आएंगे या डिस्क्रिप्टिव बेस्ड क्वेश्चन आएंगे। तो ये सब इसमें डिस्कस करा गया है, ऑनलाइन या होंगे या ऑफलाइन होंगे, ये सब इसमें आज आपका क्लियर हो जाएगा। तो वीडियो को पूरा देखें, एंड तक देखें और वीडियो को शेयर भी करें। तो चलिए शुरू करते हैं नोटिफिकेशन। इट इज़ नोटिफाइड दैट कॉम्पिटेंट अथॉरिटी हैज़ अप्रूव्ड, मतलब अप्रूव्ड करा है, क्या अप्रूव्ड करा है, द फॉलोइंग रिकमेंडेशन फॉर द कमेटी कंस्टिट्यूटेड रिगार्डिंग कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन ऑफ टर्मिनल सेमेस्टर ईयर ऑफ द कोर्स रनिंग इन NCT। ओके, NCT RCI में आते हैं BEd MEd, ये ठीक है ना, एजुकेशनल प्रोग्राम जितने भी होते हैं, ठीक है। तो उसके बाद आगे देखते हैं, अप्रूव्ड एफिलेटेड कॉलेज ड्यू टू COVID-19 सिचुएशन, कोविड की वजह से जो भी हुआ है तो उस वजह से क्या क्या चीज़ें अप्रूव्ड करी गई हैं यूनिवर्सिटी के द्वारा, तो चेक कर लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट देख लेते हैं क्या कहा गया है। फर्स्ट में द थ्योरी एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड ऑनलाइन फॉर द एकेडमिक ईयर 2019-20, ठीक है, 2019-20 का जो भी बैच है उनके फाइनल ईयर और रीअपियर के एग्जामिनेशन यहाँ पे ऑनलाइन कंडक्ट करवाए जाएंगे ड्यू टू COVID-19 सिचुएशन एंड ऑल मेजर्स शैल बी टेकन टू प्रिवेंट एक्ट ऑफ इम्परसेंसेशन एंड माल प्रैक्टिसेस। ओके, तो ये सब कहा गया है इसमें, ऑनलाइन एग्जामिनेशन लिए जाएंगे। उसके बाद सेकंड पॉइंट हम देख लेते हैं क्या कहा गया है। द कॉलेज कंसर्न सेल प्रोवाइड इंफ्रास्ट्रक्चर एंड अप्रोप्राइट ऑनलाइन ट्रेनिंग टू दोज स्टूडेंट हु मे नॉट बी एक्वेंटेड विद ऑनलाइन एग्जामिनेशन एंड डू नॉट हैव फैसिलिटी फॉर ऑनलाइन एग्जामिनेशन। कॉलेज की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कॉलेज को उनको इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करवाना होगा, जितने भी बच्चे हैं जिनको ऑनलाइन सिस्टम का पता नहीं है कि ऑनलाइन एग्जामिनेशन क्या होंगे, तो उनको क्या करना होगा, बच्चों को ट्रेन करना होगा, ऑनलाइन ट्रेन करना होगा कि कैसे आपका एग्ज़ाम लिया जाएगा या कैसे वही प्रोवाइड करवाएंगे उसको इंफ्रास्ट्रक्चर, अगर किसी बच्चे के पास नहीं है कोई ऐसी फैसिलिटी तो, ठीक है। तो थर्ड पॉइंट क्या है, द पैटर्न ऑफ क्वेश्चन पेपर विल बी ऑब्जेक्टिव टाइप एंड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बेस्ड MCQ, ईच क्वेश्चन सेल कैरी 1 मार्क एंड टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन सेल बी एज पर मैक्सिमम थ्योरी मार्क्स एक्सटर्नल ओनली फॉर द पेपर। जैसे अभी बताया गया कि किस तरीके से क्वेश्चन आएंगे, अगर 80 नंबर का पेपर है तो 80 MCQ आएंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, 40 का पेपर है तो 40 क्वेश्चन आएंगे और 70 का पेपर है तो 70 MCQ क्वेश्चंस आपको दिए जाएंगे, वही आपको एक ऑप्शन चूज करना होगा। ओके, तो उसके बाद यहाँ पे फोर्थ पॉइंट देख लेते क्या कहा गया है, नो चॉइस शैल बी प्रोवाइडेड इन MCQ बेस्ड क्वेश्चन पेपर, कोई भी चॉइस नहीं दी जाएगी यहाँ पे, द क्वेश्चन विल बी इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड इन द सिलेबस एंड विल बी सेट इन सच ए मैनर दैट द क्वेश्चन पेपर विल हैव 33% ईजी क्वेश्चन, 34 मॉडरेट क्वेश्चन, 33% डिफ़िकल्ट क्वेश्चन। तो इसके अंदर कोई भी इंटरनल चॉइस नहीं होगी कि भी आपको इतने क्वेश्चन करने हैं, मान लो 100 क्वेश्चन है तो 50 करने हैं, 70 करने हैं, 40 करने हैं, ऐसी कोई चॉइस नहीं है जैसे आपको अभी दी जाती थी 9 क्वेश्चन से 10 क्वेश्चन में से 5 क्वेश्चन करने होते थे, ठीक है। सभी क्वेश्चन कंपलसरी होंगे यहाँ पे, 33% क्वेश्चन आपके ईजी होंगे, 34% आपके मॉडरेट होंगे, ना ईजी और ना मुश्किल, ठीक है। उसके बाद 33% आपके डिफ़िकल्ट क्वेश्चन होंगे, ठीक है, तो ये सब दिया होगा। पाँचवा यहाँ पे पॉइंट देख लेते हैं, मैक्सिमम टाइम अलाउड टू अटेम्प्ट द पेपर शैल बी इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन टू बी अटेम्प्टेड, दैट इज ये 45 सेकेंड आपको एक क्वेश्चन की मिलेंगी। ओके, 45 सेकेंड में एक क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना होगा, 80 MCQ है तो टोटल टाइम मे बी 80 × 45 सेकेंड, मतलब 60 मिनट का आपका पेपर होगा। जो 80 नंबर का पेपर है ना आपका, 80 MCQ है तो वहाँ पे 1 घंटे का आपका पेपर होगा। 40 के लिए आपका 40 × 45
ओके 30 मिनट्स। और 70 नंबर का अगर आपका 70 MCQ आते हैं जिस पेपर में, तो उसका 53 मिनट का पेपर होगा। ओके उसके बाद छठा पॉइंट हम देख लेते हैं, द जगलिंग इन सीरियल नंबर ऑफ क्वेश्चन शैल बी डन एंड द कैंडिडेट शैल नॉट बी अलाउड टू रिटर्न बैक टू द क्वेश्चन। मतलब बच्चे को एक बार क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है, वन टाइम भी उसको चेंज नहीं कर सकता वो, जगलिंग नहीं अलाउड है वहाँ पे। अगर आपने एक ऑप्शन सेलेक्ट कर लिया तो परमानेंटली आपको वो फ्रीज हो जाएगा क्वेश्चन, ऐसा कुछ कहा गया है इसमें। इफ़ इट हैज़ बीन सबमिटेड अटेम्प्टेड और स्किप्ड वंस टू प्रिवेंट माल प्रैक्टिस। इसका मतलब ये है अगर आप दोबारा से आंसर चूज करना चाहोगे उसको माल प्रैक्टिस माना जाएगा कि भी बच्चे को कहीं से इंफॉर्मेशन मिली है और वो दोबारा से आंसर उसका ठीक करना चाहता है या गलत भी हो गया तो, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, स्किप हो गया तो स्किप हो गया, ठीक है। उसके बाद सातवां पॉइंट हम देख लेते हैं, मॉडरेशन ऑफ द रिजल्ट शैल बी कैरिड आउट इन केस ऑफ स्क्यूड रिजल्ट ऑन हायर और लोअर एंड। मतलब क्या है, रिजल्ट में मॉडरेशन करा जा सकता है, करा जाएगा इन केस ऑफ स्क्यूड रिजल्ट ऑन हायर और लोअर एंड, ठीक है ना। तो रिजल्ट में अगर कुछ गड़बड़ है या कुछ भी दिक्कत आई तो उसमें आपका क्या करा जाएगा, मॉडरेशन करा जाएगा। द सेम पैटर्न शैल बी, उसके बाद आठवां पॉइंट, द सेम पैटर्न शैल बी चूजन फॉर रीअपीयर एंड रेगुलर एग्जामिनेशन फॉर सेमेस्टर सेकेंड एंड ईयर फर्स्ट ऑफ कोर्स बीइंग रन इन एनसीटी। एनसीटी के जितने भी प्रोग्राम हैं अगर उनमें सेमेस्टर सिस्टम है तो सेकेंड सेम और फर्स्ट ईयर या फर्स्ट सेम, फर्स्ट ईयर के सेकेंड सेम में यही सेम पैटर्न यूज करा जाएगा। ओके एफिलेटेड टू दिस यूनिवर्सिटी एंड दीज एग्जामिनेशन शैल आल्सो बी कंडक्टेड विद फाइनल सेमेस्टर ईयर एग्जामिनेशन। और उनके एग्जामिनेशन भी क्या करवाए जाएंगे, इन्हीं के साथ में कंडक्ट करवाए जाएंगे फाइनल सेमेस्टर वालों के साथ। ओके तो नौवां पॉइंट हम देख लेते हैं यहाँ पे, द कैंडिडेट्स विल बी प्रोवाइडेड मॉक टेस्ट डम्मी। मतलब मॉक टेस्ट आपको प्रोवाइड करवा जाएगा फॉर प्रैक्टिस वेल बिफोर द डे ऑफ स्टार्ट ऑफ द एग्जामिनेशन। एग्जामिनेशन स्टार्ट होने से पहले, उस दिन से पहले आपको डम्मी प्रैक्टिस करवाई जाएगी, मतलब आपको मॉक टेस्ट दिए जाएंगे, वो आपको करने हैं कि किस तरीके से पेपर होगा। ओके उसके बाद दसवां पॉइंट देख लेते हैं, दीज प्रोविजन आर अप्रूव्ड फॉर वन टाइम ड्यू टू COVID-19। आगे ऐसा कुछ नहीं करा जाएगा, ये सिर्फ कोरोना की वजह से इसी सेशन में है। ओके तो उसके आगे देख लेते हैं क्या कहा गया है, उससे आगे यहाँ पे एक कुछ इन्फॉर्मेशन लिखी है, द थ्योरी एग्जामिनेशन द कोर्स रनिंग NCT एर RCI अप्रूव्ड एबिलिटेड कॉलेज में बी कमेंस्ड फ्रॉम 20 अक्टूबर। ओके तो 20 अक्टूबर से इनके टेंटेटिवली मतलब एग्जामिनेशन शुरू हो सकते हैं। द डिटेल शेड्यूल डेट शीट इन दिस रिगार्ड विल बी नोटिफाइड शॉर्टली। इनकी ओरिजिनल जो भी डेट शीट है, वैसे मोटा मोटा माना जाए तो रफली तो 20 अक्टूबर से या 20 अक्टूबर के बाद आपके एग्जामिनेशन स्टार्ट हो जाएंगे और इनका जो भी शेड्यूल रहेगा, डेट शीट रहेगी, वो आपको नोटिफाई कर दी जाएगी। द कैंडिडेट आर एडवाइज टू विजिट यूनिवर्सिटी वेबसाइट, यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे विजिट करते रहें। तो यही इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर करनी थी, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें, कमेंट करें अगर किसी बच्चे का डाउट है तो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।